नमस्कार मु चंदन आपनको स्वागत करुछि हमर यूट्यूब चैनल सीजे क्लासेस इन ओडिया को जहाँ कि आम प्रीवियसली जनरल अवेयरनेस जहाँ कि आम टॉपिक कवर करुथले जनरल साइंस रो ए जनरल साइंस रो आम जहाँ कि फिजिक्स टॉपिक कवर करुथले ए फिजिक्स रो जहाँ कि मु 5 नंबर ऑफ क्लासेस आपनकर कवर कर सारी जहाँ कि आज हूँ 6 क्लास जहाँ कि मु प्रीवियसली आपनकर वर्क पावर एनर्जी ए क्लास कंप्लीट करी आशा करे जहाँ कि जो टॉपिक कवर हो सारी फिजिक्स रो जो चैप्टर गुड़ाक आपनकर कोनोसी डाउट नाही जदि देखा जावा तो आज आम जो क्लास पढ़ा जोटा कि ग्राविटेशन ग्राविटेशन जहाँ कि माध्यकर्षण शक्ति उपर आज आम क्लास रहिबो ए जो ग्राविटेशनल फोर्स रही जहाँ कि पर्यवेक्षित न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन जमती कि कैपिटल जी है स्मॉल जी यह केमी डिफर करुच्ची कैपिटल जी रु स्मॉल जी को यह सहित सहित जो जी रही स्मॉल जी वैल्यू यह केमी के जगार यूनिवर्स धरतु कि मून हो कि इक्वेटर हो पोलर रीजन हो सेंटर ऑफ अर्थ हो सब जगार जी रैल्यू केमी डिफर करेंगे आज आम क्लास देखा तो चलो डेरी न कर स्टार्ट करवा आज आम क्लास मशा कैर आप जो भिड देखुंत आपखे जो आपणकर नोट आउ नोट आउ पेन रखी थे जहाँकि जितेबाला मुझे जोटा कहूँ से नोट करेंगे नोट करने सहित जदि सांगे सांगे नोट कर न पार्टी स्क्रीनशॉट माध्यम रे जहाँ को पचरे नोट करने ट्राए करेंगे या सहित सहित जहाँकि आज आम क्लास स्टार्ट करवा जहाँकि ग्राविटेशन तेज ग्राविटेशन कौन जदि आम कह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन कौन कौन डायरेक्ट आम मैथमेटिकल डेरिवेशन को जीवा तेल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन कौन जे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एंड एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यार अर्थ मैं आगे बुझे दूसरी आप देखते जदि ये आम गोटे सरफेस रही सरफेस भितर दुईट बॉडी अच्छी सरफेस उपरे गोटे हूँ एम वन मास गोटे हूँ एम टू मास मास ऑफ द टू बॉडी एम वन एंड एम टू जहाँ भर डिस्टेंस रही आर ताले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन कौन कहला ना एम वन आउ एम टू जो दुईट मास रही जदि दुईट वस्तु अच्छी दुईट मास वस्तु तो थी जो वस्तु अच्छी एम भितर आट्राक्शन को ही जहाँकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन कहा जाए माध्याकर्षण शक्ति कहा जाए मीन्स वस्तु आ वस्तु भितर आट्राक्शन मीन्स एम वन हो गोटे मास एम टू हूँ गोटे मास जार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आम कौन कही था ना ग्राविटेशनल फोर्स तबे ए जो डिस्टेंस हूँ आर तो यही हिसाब से फॉर्मूला जहाँ दि जाए एम ए सॉरी जो फोर्स ग्राविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एंड एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तबे जदि आम देखा यदि आम प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट को हटे दबा ताहले जदि आम देखा एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ताल जो प्रोपोर्शनल जदि मु हटे देबी ताहले सही जगह रे गोटे कांस्टेंट ऐड करली जहा होछि कैपिटल जी ताहले कैपिटल जी जो अच्छी ए जी रो वैल्यू होछि 6.67 इंटू 10 टू दि पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर जहाँकि कांस्टेंट रही जी रो वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू दि पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर तेबे जदि आम देखा रेसिप्रोकल रिलेशन रही क्या सहित ना डिस्टेंस सहित फोर्स जदि डिस्टेंस जी बढ़ जहाँकि फोर्स से कौन हो कमी जी डिस्टेंस कम फोर्स से बढ़ कहीं कहूँ ना जहाँकि आम लेटर स्टेज रे जिन पढ़ा रिलेशन नहीं कहार ना डिस्टेंस आ फोर्स भितर तेज मुशा कैर जो कैपिटल जी अच्छी जो आम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन हिसाब से गोटे मास आ गोटे मास रो आकर्षण रही ग्राविटेशनल फोर्स जदि आम कह एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू एम वन इंटु एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तले मु फिगर डायग्राम कर ड्र करदेली एम वन हूँ गोटे मास एम टू हूँ गोटे मास एम डिस्टेंस को आर कह जाए जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटे मुड कली कैपिटल जी जार वैल्यू हूँ 6.67 इंटु 10 टू दि पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर तबे जदि आम देखा स्मॉल जी जो स्मॉल जी रही लिखे दूसरी स्मॉल जी रही स्मॉल जी जहाँ आम कौन कही था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी ताले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी जहाँ रही स्मॉल जी ताले आमे प्रीवियस इक्वेशन कौन पढ़िले ना जी इज इक्वल टू सॉरी एफ इज इक्वल टू जी एम वन और एम टू बा कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तेबे आमे जानिचे कौन ना न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ कौन कही ची? ना एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ताहले एक्सीलरेशन कौन कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी ताहले एम इज इक्वल टू एम इनटू जी मध्ये मु लिखि पारिबे तेबे जदि मु जी को एफ बाय एम लिखिल मध्ये कोनोसी अत्युक्ति हेबो नाही तेबे जदि मु एही इक्वेशन को ए जगह कौन लिखे ना एफ डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तबे एफ बाय एम जगह मु लिखि पारिबि जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तबे या होची स्मॉल जी रो वैल्यू ताले स्मॉल जी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी ए मध्ये कांस्टेंट रो वैल्यू होची केते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहाँ कि मो प्रीवियस प्रॉब्लम रे मध्ये आकु यूज करी सारी छी ताले मैं कौन जानले जो कैपिटल जी रो हुई जहाँ कि कौन है छी जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो अछि जोटा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुई जहाँ कि स्मॉल जी डिराइव होई छी जहाँ रो फार्मूला होची जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो जी रो कि कांस्टेंट वैल्यू रही छी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहाँ को हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी बोली कही था जो उठी कैपिटल जी रो वैल्यू बहुत तरह परीक्षा रिपीट ही ची 6.67 इन 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर तबे चलो देखिबा जहाँ कि ए टॉपिक को आधार करी दुईटे जिनस बहुत कन्फ्यूज कर पानू जहाँकि आप भावुए फिजिक्स सब वाले दुईट वार्ड यूज करा जाए गोटे हूँ मास गोटे हूँ वेट ताले आप मन में क्वेश्चन आसुव जे एक्चुअली मास कौन वेट कौन ए मास आउ वेट आमे क्यों जगह मास कहवा क्यों जगह आमे वेट कहवा ताले जहाँ मु क्लियर कर दूँ फर्स्ट जानतु मास इज ए स्केलर क्वांटिटी मास इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी तबे मु स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी भितर सामंजस्य जहाँ कि फर्स्ट क्लास रे कही थी स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन ताहले स्केलर क्वांटिटी मास रो जदि हमें देखिबा सेकेंड पॉइंट रे कौन रहुचे ना इट इज कांस्टेंट कांस्टेंट इन एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्स रो कौन सी पार्ट रे जहाँ की मास कौन रहुचे कांस्टेंट रहुचे जोटी की वेट कौन कर थाए वेरीज प्लेस टू प्लेस जदि आम पृथ्वी पृष्ठ में जदि आम आक्चुअल वेट पाई था ता चंद्र पृष्ठ में 1/6 हो जाए थाए तेब एमें कौन जानले जदि आम कह आक्चुअल वेट हूँ आर्थ रे जोटी की चल जोटा कि आप जिते के जी अच्छा आक्चुअल वेट आम आर्थ रे पाई था तेज मून ने यह 1/6 होता है तेज मास ना वेट ताल आम कौन जानले वेट ही चेंजेस होता है वेट ही भारी कर था मास सब बड़े सामान था बुझीपारे तेज
जदि आम कह जदि आम मास को मेजर करूँ जदि आम मास को मेजर करूँ ताहले इन मेथड ऑफ बैलेंस क्यों मेथड रे केवल बैलेंस मेथड रे ही जहाँ कि आम मेजर कर मास को देन वेट को जहाँकि जेहेतु भैरी करें ताको आम कौन सी जो जो ओजन करवा जिन अच्छे जो थे कि आम ओजन कर तेबे मास को बैलेंस माध्यम रे जोटी की मेजर करिया बेले वेट जहाँ कि आम कौन सी भी मेजरिंग यूनिट को नहीं करी मेजरिंग यूनिट जहाँ अच्छी ताको नहीं आम वेट को मेजर कर पारिबा तेबे एहा थिला जहाँ कि मास आउ वेट भितरे डिफरेंस फर्स्ट कह दूँ मास स्केलर क्वांटिटी बेले वेट होची वेक्टर क्वांटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची सेकंड पॉइंट जहाँकि यूनिभर्स कौन से भी प्लेस रे जहाँ के भी चेंज हुए नी ता होची मास जी प्लेस टू प्लेस पृथ्वी पृष्ठ आरंभ कर चंद्र पृष्ठ कौन से भी प्लानेट रे कौन से डिस्टेंस जहाँकि चेंज होता है ता होची वेट जहाँकि बैलेंस मेथड द्वारा जोटी की मेजर कर हुए मास को कौन से फिजिकल यूनिट द्वारा जहाँ कि मेजर कर वेट को तेरे नेक्स्ट जीवा आम जहाँकि जो आम स्मॉल जी पढ़ले एवं तो मास वेट रे कौन से डाउट नथिबो तेबे जो स्मॉल जी अच्छी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी अच्छी यह डिफरेंट डिफरेंट जमी मुझे कि एथिपाई बुझेली वेट आउ मास जो वेट जो भैरी करुच्छे गोटे जगार गोटे जगह को तेल कौन पाई भैरी करुच्छे आउ कौटी डिक्रीज करे कौट इनक्रीज कैर यह जहाँकि स्मॉल जी ऊपर डिपेंड करता है जहाँ को आम कही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी तेल नेक्स्ट टॉपिक आम रखा कौन ना जी भैल्यू जे कि जी भैल्यू जो अच्छी यह क्योंटे इनक्रीज करे तो क्योंटे डिक्रीज करे जोटी कि कौटे 1/6 हुए तो ये सब जिन आम रखा तो फर्स्ट पॉइंट रखुची जहाँकि यूनिवर्स यूनिवर्स रे कौन होता है ना यूनिवर्स रे जहाँकि भैल्यू होता है कौन जीरो भैल्यू कौन होता है सब आम जीरो भैल्यू पढ़ा यूनिवर्स रे जहाँकि जीरो बहुत थर क्वेश्चन रिपीट हुए बारंबार कौच यूनिवर्स रे जहाँकि जीरो भैल्यू कौन ना जीरो सेकेंड रखुची जहाँकि मून मून रे जहाँकि कहते ना 1/6 ऑफ अर्थ अर्थ जहाँ वेट थी अर्थ रे ता मून ने केते था स्मॉल जीरो भैल्यू बाजोटा कि आप वेट से जहाँकि 1/6 हो जाए था तेरे नेक्स्ट आसवा जहाँकि थर्ड पॉइंट वेरी थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जहाँकि कौन कहले थर्ड पॉइंट नौ एट इक्वेटर ए क्वेश्चन बारंबार रिपीट हुए इक्वेटर एंड पोल ताले मु जियोग्राफी क्लास मन दे आशा करे देखि थे ताले इक्वेटर ऑफ पोल टिके जस्ट कही दूची जदि आम देखा सपोज दिस इज योर अर्थ अर्थ रो जो इक्वेटर अछि या कोई जहाँ को जीरो डिग्री को कौन कहा जाए इक्वेटर जहाँ को कहा जाए नॉर्थ नॉर्थ पोल आउ एटा होची साउथ पोल टॉप मोस्ट पॉइंट हो जहाँ कि पोलार रीजन जहाँ को नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल हिसाब से अना जाए जोटी की मिडिल पोजिशन को आम कौन कही था इक्वेटर रीजन ताहले ये इक्वेटर रीजन रे जीर वैल्यू डिक्रीज करी थाए ना इनक्रीज करी थाए ताहले मते प्रथमे कहंतु जे इक्वेटर रे रेडियस अधिका ना कम जदि अधिका ताहले मु जस्ट पूर्वर आपण को सही फॉर्मूला पढ़े थी कौन कही थी ना जो स्मॉल जी फॉर्मूला पढ़े थी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जस्ट प्रीवियसली फॉर्मूला आपण को पढ़े थी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मीन्स स्मॉल जी रो वैल्यू आर सहित रेडियस लेंथ सहित इनवर्स रिलेशन ना डायरेक्ट रिलेशन ना एक्जाक्टली जब हमें कहिबा इनवर्स रिलेशन तेबे जदि रेडियस बढ़ी जाए ताले स्मॉल जीरो वैल्यू कौन हम ना डिक्रीज कर जेहेतु इक्वेटर रे स्मॉल जीरो वैल्यू कौन अच्छी ना अधिका अच्छी सॉरी रेडियस जेहेतु अधिका अच्छी स्मॉल जी घर वैल्यू कौन हम ना डिक्रीज कर जी बिकेम डिक्रीज वैल्यू ऑफ जी बिकेम डिक्रीज इन केस ऑफ पोल रीजन
पोलार रीजन जदि आम देखा रेडियस कौन अच्छी ना बहुत स्मॉल अच्छी स्मॉल रेडियस अच्छी जदि स्मॉल रेडियस अच्छी तेबे जदि आर वर्तमान स्मॉल हो गला ताले लार्ज किए हो ना जी ही लार्ज हो मीन्स द वैल्यू ऑफ जी बिकेम इनक्रीज यदि आम लिखिपर जी वैल्यू इनक्रीज कारण ए क्वेश्चन बारंबार रिपीट हुए इक्वेटर रे जीरो वैल्यू डिक्रीज करे ना इनक्रीज करे पोलार रीजन रे जीरो वैल्यू डिक्रीज करे ना इनक्रीज करे जदि आपण मैंने घोषिकी जी मन रखी तेल निश्चिंत भाव कन्फ्यूजन हवाटा निश्चिंत जदि कनसेप्ट को गोटे फर्मूला कनसेप्ट किसी ना गोटे ही फर्मूला जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मीन्स गोटे वर्ड रे मन रखिए स्मॉल जी सहित रेडियस बा आर रो इनवर्स रिलेशन जोटी रेडियस अधिका से जी रैल्यू कौन ना जहाँकि स्मॉल जोटी रेडियस कम से स्मॉल जी रैल्यू अधिका बस ये कनसेप्ट तेरे नेक्स्ट जदि आम देखा लिखि दूसरा नेक्स्ट जदि आम देखा कि सेंटर ऑफ अर्थ जो अर्थ अच्छी आम एक्चुअल वेट जदि आम देखा कि सरफेस सरफेस ऑफ अर्थ जदि आम सरफेस ऑफ अर्थ क्या कहवा ताले आम कौन पाई ना एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी जी रहा हमें एक्चुअल वैल्यू कौटी पाई था ना जस्ट सरफेस ऑफ अर्थ बस सरफेस ऑफ अर्थ रे पाई था जो टिकी आपण वेट कौन होता है ना एक्चुअल वेट थाए तेबे जदि आम कहिबा कि अर्थ रो सेंटर को जीवा अर्थ रो सेंटर आड़ को जीवा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ द जी इज कौन ना डिक्रीजेस जी वैल्यू बिकेम डिक्रीजेस ताहले थ्रु कौन जान ले सरफेस ऑफ अर्थ रे ही आमे कौन पाउचे एक्चुअल वैल्यू पाउचे जो टिके ऊपर को गले अल्टीट्यूड को गले जहाँ कि जीरो वैल्यू डिक्रीज होता बेले टुवर्ड्स सेंटर आड़ को गले जहाँ कि जीरो वैल्यू कौन होता है ना डिक्रीज होता है बुझिपारे ताहले ए अर्थ रु आउ गोटे कनसेप्ट मन रखिबे जहाँकि अर्थ रो रोटेशन को नहीं बड़े क्वेश्चन आसी जाए अर्थ रो रोटेशन को नहीं एक क्वेश्चन आसी था जहाँकि अर्थ रो रोटेशन जहाँकि एबे रोटेशन जहाँ अच्छे रोटेशन रो स्पीड जहाँ अच्छी सपोज जदि रोटेशन बंद हो गला स्टॉप रोटेशन बिकम स्टॉप जो अर्थ रो रोटेशन अच्छी जदि स्टॉप हो गला बंद हो गला तेबे आमर जो वेट अच्छी बा जो जी वैल्यू अच्छी यह इनक्रीज कर ना डिक्रीज कर आमर वेट बढ़ी जीवो ना कमी जीवो ताले ओब्वियसली कौन हम ना जी बिकेम बा वेट बिकेम इनक्रीजेस वेट कौन हम ना इनक्रीज कर तबे यार कारण कौन ना जदि आम देखा मु जियोग्राफी पढ़े थी जो अर्थ रोटेशन सांगे केते गुड़े फोर्स काम करुच्चे तन्मधर कोरियोलिस फोर्स जो पढ़े थी कोरियोलिस फोर्स होती अन्यतम तेणु जो फोर्स जो मानने अर्थ रोटेट करने सहित जो रोटेशनल फोर्स रोचे ये फोर्स पढ़ा द्वारा बा कोरियोलिस फोर्स द्वारा जहाँकि कौन हो ना वेट जहाँकि बढ़ुनि जी एक्चुअल वेट अच्छे से एक्चुअल वेट ही रोचे किंतु जदि से फोर्स पढ़ा बंद हो तेज कौन हम ना जोटि की जी रैल्यू वेट कौन है ना इनक्रीज हो तेबे ये आउ गोटे क्वेश्चन मन को आसे जदि अर्थ रो स्पीड हाउ मेनी टाइम्स केते टाइम पर बढ़ी गले आमर टोटल वेट आमको लेस लगे पूरा लेस वेट बिकेम जीरो आम तो जान ले जदि अर्थ रोटेशन करवा स्टॉप कर दिए आमर वेट निश्चिंत भाव कौन हम बढ़ किंतु मोर क्वेश्चन होची जे अर्थ रोटेशन को केते टाइम आम फास्ट करदे जहाँकि आमर वेट कम्प्लीटली जीरो वेट रही ना ताले योर आंसर विल बी 17 टाइम्स जदि अर्थ रो रोटेशन को आम 17 टाइम्स फास्टर करदे तेबे वेट कौन होमर ना जोटिके जीरो जीरो तेबे थ्रू कौन जान ले ना जीरो वैल्यू केमी कौ जगार डिक्रीज बा इनक्रीज करुच्ची अर्थ रो रोटेशन सहित तो जीरो रिलेशन कौन रही एंड अनदर थिंग आउ गोटे जिनस अच्छी जहाँकि मुझे कहीदे
जहाँकि लिफ्ट लिफ्ट जानते जो लिफ्ट अच्छी से लिफ्ट जहाँकि आम जो देखा तीन टा कंडीशन आसे जो लिफ्ट अच्छी लिफ्ट तीन टा कंडीशन आसे लिफ्ट जो आम जो ऊपर को जाई था लिफ्ट यदि आम देखा स्टेशनरी कंडीशन स्टेशनरी बा लिफ्ट स्टॉप अच्छी स्टेशनरी कंडीशन रे जहाँकि आम कौन पाई था ना एक्चुअल वेट पाई था एक्चुअल वेट पाई था जदि देखा जो बड़े लिफ्ट ऊपर को जाई था टुवर्ड्स ऑफ ऑफ जाए थाए आमर वेट कौन लगी थाए ना मोर लगी थाए अधिका वेट लगी थाए आमको जत्ते बड़े वेट कौन जो लिफ्ट तल को खसी थाए डाउनवर्ड से बड़े आमको वेट लेस लगी थाए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कहीं जो लेस वेट आमको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करे कहीं आम जानचु जो कौन सी जिनस जो तल को आसे हुए तो बॉडी वेट अधिका लगे कथा किंतु लिफ्ट कौन होता है मुझे कहीदी आप फिल भी करेंगे जो मीना बजार रामदोली जो लगे जो चक्री भाया लगे जदि आप बसी थे देखिए जो समय आप खसती तौक को से समय ही आपण को डर लगे कहीं काले मु पड़गली कि यार अर्थ हो जदि लिफ्टर जो फोर्स अच्छी यह तो डाउनवर्ड अच्छी यह डाउनवर्ड आसवा सहित सब गोटे बड़ काम करता है ताकि ग्राविटेशनल फोर्स जहाँ हूँ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी बा स्मॉल जी सब कौन करता है तौक को टाणी था सहित सहित मेकानिकल फोर्स मेकानिकल एनर्जी जब आम देखा जो मेकानिकल एनर्जी क्या द्वारा ना से जांत्रिक एनर्जी जो अच्छी ताक नौ दुईटे जाक फोर्स एमती तो आम डाउनवर्ड अच्छु एमती से ही समय आमको आउ गोटे जिनस भी तौक टाणु जहाँ हूँ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी यदि दुईट फोर्स एककालीन आमको तौक टाणे तेल आमको कौन लगे ना बॉडी हल्का लगे जे वेट लेस लगे आम वेट कौन लगे जमी ना भाई लगे तो आमको डर लगे कहे आम पड़जु तेणु केत भारी लगे ना उपर को गला बेले तौक गला बेले आमको लेस वेट अनुभूत हुए जितेबाला स्टेशनरी कंडीशन में लिफ्ट अच्छे से ही समय आमको कौन लगे एक्चुअल वेट फील हुए तबे जहाँ कि जो लिफ्ट उपरे क्वेश्चन बहुत थर पड़े जे कि डाउनवर्ड गला बेले लिफ्ट जे कि आमर बॉडी जो वेट अच्छी आमको लेस फील हुए ना मोर फील हुए तबे ए सहित आम नेक्स्ट जहाँ कि पढ़ा केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ताले केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कौन कहे तबे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कौन कहे ना जहाँकि आपको स्क्रीन में डिस्प्ले बोर्ड में लिखिदेगी जहाँकि फास्ट लॉ कहे जो सन अच्छी जो आमर प्लानेट अच्छी ए प्लानेट जो सन चतुर्पार्श्व बुलू कौन ना इलिप्टिकल ऑर्बिटरे बुलू जोटी की क्या फोकस करी ना जो जहाँ को आम फोकस पॉइंट बोली कहे सन को फोकस करी तार चतुर्पार्श्व इलिप्टिकल ऑर्बिटरे बुलू जहाँकि केप्लर्स फर्स्ट लॉ थिला तबे सेकंड लॉ कौन थिला जो इलिप्टिकल ऑर्बिट रे जो प्लानेट बुलुची तार जो एरियल वेलोसिटी जहाँकि सब बड़े समान थाए कहीं जब आम देखा तो एरियल वेलोसिटी समान अच्छी बोली आम देखा आमर वर्ष जहाँकि से 365 दिन ही रही बेले जहाँकि रोटेशन टाइम भी से 24 23 पॉइंट समथिंग 24 रोचे जदि एरियल वेलोसिटी बढ़ी जाए हुए तो वर्ष हुए तो आम बढ़ी जाए कमी सेकेंड लॉ कौन कह जोटी की एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट जोटी की कांस्टेंट रही था तबे केप्लर्स का थर्ड लॉ कौन कहे ना टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू मीन्स द टाइम ऑफ द रिवोल्यूशन स्क्वायर ऑफ जो रिवोल्यूशन पीरियड अच्छी आर रिवोल्यूशन टाइम र स्क्वायर जहाँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित ना जो मेन डिस्टेंस ऑफ प्लानेट फ्रम सन जो डिस्टेंस रही प्लानेट रु सन पर्यंत तार क्यूब सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूँ किए ना द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स सूर्य चतुर्पार्श्व बुलवाई जी समय रिवल्यूशन कहा जाए तार स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा सहित ना जोटी की मेन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लानेट्स ताले ए तीनोटी लॉ जहाँकि कहला क्या द्वारा ना केप्लर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन द्वारा आपन को जो क्वेश्चन आसी था डायरेक्ट लॉ आपन को था क्वेश्चन ने यह केप्लर्स करो क्यों लॉ बोली ऑप्शन में था फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ
तब हम लिखी देखिए देखो तो फास्ट लॉ कहूँ द प्लानेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन बीइंग एट रेस्ट एट फोकस ऑफ द ऑर्बिट। सेकेंड कहूँ द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लानेट अराउंड द सन ऑलवेज कांस्टेंट जहाँ मुझे कहली। थर्ड लॉ कौन कहे ना टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, टी स्क्वायर द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड आर इज द मेन डिस्टेंस बिटवीन प्लानेट एंड सन। तेबे नेक्स्ट देखा आम आज क्लास लास्ट पॉइंट अच्छे जहाँकि बहुत थोड़ा आपन क्वेश्चन में आसे जहाँकि हूँ एस्केप वेलोसिटी। तबे एस्केप वेलोसिटी कौन एस्केप वेलोसिटी जहाँकि आम कहीपर गोटे अर्थरे बियंड द ग्राविटेशनल फोर्स बस गोटे जिनस मन रखते कौन से डेफिनेशन मन रखा दरकार ना बियंड द ग्राविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ नोन एज एस्केप वेलोसिटी। मेन सपोज अर्थ अच्छी अर्थ र एस्केप वेलोसिटी केते हेले मीन्स आम जब कौन से गोटे जिनस को ऊपर को फोपाड़ूचे जहाँ कि ग्राविटेशनल फोर्स द्वारा से कौन होना तल को पुणे रिटर्न करुच्ची से फोर्स आम के दबा ऊपर को से स्पीड्रे दबा जहाँ कि पृथ्वी पृष्ठ को रिटर्न करपर ना ही एस्केप वेलोसिटी कह जाए। जो रॉकेट अच्छी रॉकेट कितने स्पीड रे ऊपर को गले जहाँकि पृथ्वीर ग्राविटेशनल फोर्स पड़ी पारे जहाँकि डाउन को डाउनवर्ड आसी पारे तल को फोर्स टाणी पारना तो यह जहाँ कह जाए एस्केप वेलोसिटी। ताहले एस्केप वेलोसिटी जदि आम देखा अर्थ रे केते अच्छे ना अर्थ रा जो एस्केप वेलोसिटी अच्छे बहुत क्वेश्चन पड़े 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मीन्स गोटे सेकेंड रे 11.2 किलोमीटर स्पीड जदि जीव ताहले ग्राविटेशनल फोर्स ताको तल को टाणी पार ना तेज जदि आम कह मून रे केते अच्छे ना 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत थोड़े क्वेश्चन रिपीट हो अर्थ रे एस्केप वेलोसिटी होची 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मून रे होची जहाँ कि 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। जदि आम देखा ये जो फॉर्मूला जदि आम देखा ताहले एस्केप वेलोसिटी रो फॉर्मूला होची द रूट ओवर ऑफ 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ यार मल्टीप्लिकेशन जाके फॉर्मूला होची 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ जहाँ होची फॉर्मूला कहार ना एस्केप वेलोसिटी तबे आज जो आम क्लास थिला आशा करे कौन से डाउट नथिबो जदि भी कौन से डाउट अच्छे जहाँकि व्हाट्सएप ग्रुप जोटा कि आप जॉइन करें जहाद्वारा आपंकर डाउट से रखिपर जोटी की कौन डाउट रोच क्लास जन पारे अदरवैज आप कमेंट बक्स में कमेंट कर जनईपर आशा करें आज कौन से क्लास डाउट नथिबो आज क्लास धन्यवाद।